रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद इसी वजह से 180 किलोमीटर के 5.5-6 घंटे दिखा रहा था गूगल मैप पे। नो एंट्री है, सीधा पटनी टॉप के लिए राइट बोल रहा है भाई साहब। एकदम हॉलीवुड मूवीज़ की फील आ रही है, ऐसा लग रहा है इसमें अभी कोई सुपर कार होती। अबे मजे ले रहा है, तुम बड़ी खींच रहे हो आज, एकदम दबा दब गड्ढे गुड्ढे सब। भाई कश्मीर को ऐसे ही नहीं कहते, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन दी अर्थ। वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टनल थी, उससे छोटी अटल टनल है जो कि 9 किलोमीटर की है, वो 9.28 थी। श्रीनगर दोपहर के 12 बजे ब्रेकफास्ट आया, 11 बजे नहीं 10:30 बजे ऑर्डर कर दिया था, बहुत लेट हो गए चेकआउट करने में भी। पागल हो गए हो क्या, मैंने फोन किया है ठीक है 11 बजे के करीब ऑर्डर किया था, फिर भी 1 घंटा लगा दिया। फोन तो कर रहा था, मिल नहीं रहा था मतलब। फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूड था हमारे टोटल मतलब बुकिंग में ही, पराठे मंगवाए हैं इन लोगों ने, अपना ऑमलेट मंगवाया, चाय और दही साथ में। फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सामान लोड करवाते हैं अपना और निकलते हैं यहाँ से श्रीनगर की ओर। बाइक पर सामान वामान लोड हो चुका है प्रॉपर, और हमें उम्मीद थी कि इतनी गर्मी नहीं होगी, उधमपुर से थोड़ा मौसम ठीक रहेगा, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मतलब एकदम तगड़ी धूप सर पर पड़ रही है, और ये धूप एकदम मुझे फर्स्ट डे वाली लग रही है। कल तो फिर भी थोड़ा आराम था, बट आज ज़्यादा लग रही है। उम्मीद है यहाँ से 1.5 घंटा राइड करने के बाद, उम्मीद है कन्फर्म नहीं है, कि थोड़ा हल्का मौसम ठीक मिलेगा, हवा वगैरह चलेगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, वरना अभी तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं राइडिंग जैकेट भी डालूं, मन कर रहा है ऐसे ही निकल जाऊं। हाइड्रेशन बैग मैंने पूरा फुल कर लिया है, इसके अंदर मैंने आइस क्यूब भी डाल दिए हैं, तो फिर ठीक है मतलब 1.5 घंटा चल जाएगा। और भाई यहाँ से जो राइड होने वाली है वो अराउंड होने वाली है 180 किलोमीटर की, बट जो टाइम दिखा रहा है गूगल मैप्स वो दिखा रहा है 5.5-6 घंटे, समझ रहे हो मतलब रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है। यही उम्मीद की थी कि शाम तक पहुँच जाएंगे, सुबह जल्दी निकल जाएंगे, सोचते तो हम बहुत कुछ है बट एग्जीक्यूट हो नहीं पाता, बट अभी भी निकल रहे हैं तो उम्मीद है 6:30-7 बजे तक पहुँच जाएंगे कुछ ना ना करते हुए। और भाई ये था हमारा होटल, होटल हाईवे, बहुत बढ़िया सर्विस थी, मस्ट विजिट कहूँगा मैं। रूम्स इतने खास नहीं थे जितने खास इन लोगों ने वेबसाइट पे दिखा रखे थे, बट सर्विस बहुत अच्छी थी। और जो हमें ये पड़ा मतलब हमने मेक माई ट्रिप पे देखा था, तो वहाँ पर दिखा रहा था 3400 अराउंड का, मैंने कॉल किया फिर कॉल करके डायरेक्ट बुकिंग करी थी, तो 1800 का हमें विद एक्स्ट्रा मैट्रेस पड़ गया था, और इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट 2200 का पड़ गया। तो ठीक है मतलब हम कहाँ वहाँ पे 5,500 का बिल पे करके आए हैं कल, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। इंडियन मॉल के सब्सक्राइबर्स मिल गए, ठीक है निकलते हैं यहाँ से फटाफट। फो गर्मी, आप दिल्ली से कब पहुंचे थे मतलब? नहीं यार हम ना नहीं, हमें रुकना पड़ गया था, हमें फर्स्ट डे ही आना था उधमपुर, बट बीच में पटियाला साइड कुछ दंगे वगैरह हो गए थे परसों, तो हम वहीं पे फंस गए थे, फिर हमने वहीं पर होटल ले लिया था। ओके बाय बाय, हैप्पी, थैंक यू। चलो जी निकलते हैं यहाँ से, रेंज अभी भी 302 किलोमीटर अराउंड की है, तो मतलब कि होपफुली पहुँच जाएंगे, उसके बाद ही फ्यूल अप करवाऊंगा श्रीनगर पहुँच के। रात को जब हम आ रहे थे ना, तब रास्ते का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना सुंदर होगा, ये आप देख सकते हो राइट में प्रॉपर लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में एंटर कर चुके हैं, मुझे लग रहा है शायद इसी रास्ते से आए थे हम। व्यू देखो कितना सुंदर है, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, अभी तो भयंकर धूप पड़ रही है सर पे। रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद इसी वजह से 180 किलोमीटर के 5.5-6 घंटे दिखा रहा था गूगल मैप पे, देख ही सकते हो आप, एकदम ऐसा लग रहा है लद्दाख वाली रोड है। यहाँ से राइडिंग जैकेट की बैंड बजने वाली है लग रहा है, अभी ऐसी नहीं दिखेगी कल, कितनी धूल है, सफ़ेद हो जाएगी पूरी राइडिंग जैकेट। पर ये अच्छा है यार, यहाँ पे ना मतलब डबल लेन रोड बना रखी है, नीचे देख रहे हो आप नीचे गाड़ियाँ जा रही है, ऊपर मतलब कहीं कहीं पे बीच में डाइवर्ट कर रखा है रोड, बाकी ऊपर देखो लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट जा रहे हैं, और नीचे एक और रोड है जहाँ से मतलब अपोजिट लेन चल रही है। ये रोड देखो भाई, लेफ्ट साइड में प्रॉपर मतलब लैंडस्लाइड हो रखी है, ऐसा लग रहा है हुई थी मतलब हो नहीं रखी ठीक है, और इन रोडों पर तो बेटा शाम तक भी नहीं पहुँचने वाले हम। राइट साइड पर इतनी ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है कितना बढ़िया मौसम होगा, लेफ्ट में देखो एकदम बंजारी रोड। अरे अरे यार रास्तों का बताऊँ ना, तो रास्ते नो डाउट बहुत अच्छे हैं ठीक है, बीच बीच में पैचेस ज़रूर ख़राब है, बट रास्ता वैसे काफ़ी अच्छा है, मतलब देखा जाए तो हम कवर कर लेंगे 4-5 घंटे में, बट बीच में जो पैचेस है ना वो टाइम काट देते हैं यार, और गर्मी भी लगने लगती है क्योंकि वहाँ पर स्पीड भी स्लो हो जाती है, और कभी कभी तो फिर वन वे कर रखा होता है मतलब रूट डाइवर्ट कर देते हैं, तो उस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। अब जैसे बीच में देखो पैच आ गया ख़राब, अब यही हाईवे जो कनेक्टेड है, पीछे इतना बढ़िया हाईवे था, आगे भी ऐसे ही कर दें तो फिर एकदम सॉर्टेड ना हो जाए। श्रीनगर के लिए किधर से जाना है इन लोगों ने, नो एंट्री है, सीधा पटनी टॉप के लिए राइट बोल रहा है। किधर से है? सीधा ही है श्रीनगर के लिए, बट उधर लिखा हुआ था सीधा एरो क्रॉस बना हुआ था सीधे एरो पे। यहाँ मौसम अगर अच्छा होता ना तो बढ़िया रील वगैरह कुछ बना लेते।
ये भाई अपनी टनल स्टार्ट हो गई। मैं वही सोच रहा था कल यार, एक भी टनल नहीं पड़ी ट्रेन से आने में, तो इतनी टनल पड़ती है जम्मू आते आते, बट वो अलग बात, हम जम्मू नहीं गए थे। तो ये है चेनानी नशरी टनल वे लिमिटेड, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ओके ओ भाई साहब, ओ माई गॉड, भाई साहब एकदम हॉलीवुड मूवीज़ की फील आ रही है, ऐसा लग रहा है इसमें अभी कोई सुपर कार होती सुपर बाइक होती ना, उसकी आवाज़ भी मतलब लाउड होती है। चलो ये तो एडवेंचर बाइक है। बहुत लंबी टनल है यार, सोचो ये टनल से कितना रास्ता काट दिया होगा पहले जब, ये और नई नई टनल ही लग रही है, ज़्यादा पुरानी टनल है नहीं है, तो इससे पहले जब मतलब टनल नहीं होगी तो कितना घूम कर जाना पड़ता होगा अब इस टनल, और इतनी लंबी टनल बनाई है तो भाई इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मतलब मेन मोटिव होगा बनाने का, साइड से जाना पड़ता होगा, कितना टाइम लग जाता होगा घूम के जाने में। देखो सीधा मतलब इतनी लंबी टनल तो कितना लंबा पहाड़ के बीच में से पूरा समझ रहे हो होल करके लेके गए होंगे। अरे मज़े ले रहा है, दो बच्चों के हैं भाई और लगभग 50 किलोमीटर कवर कर लिया है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी में हालत ख़राब है, मेरे गोप्रो ने भी धोखा दे दिया जब हम टनल के आसपास थे, मतलब टनल से जब निकल रहे थे तभी मतलब गोप्रो बार बार बंद हो गया था, मुझे लगा कोई दिक्कत है, बट अभी याद आया मैंने उसकी जो रेंडर फाइल्स मतलब फाइल्स कॉपी करने के बाद मैंने डिलीट ही नहीं की, तो यही दिक्कत हो रही है। अब एकदम आँखों में भयंकर धूल गई, क्योंकि ये जो 50 किलोमीटर में लगभग अभी लास्ट के 20 किलोमीटर थे ना, धूल गड्ढे, हालत ख़राब होगी बाइक चलाने में, कंधे में पता नहीं क्या ही हो गया। बीच में यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर थोड़ा हाइड्रेट करते हैं अपने आप को, ठीक है उसके बाद निकलते हैं। बाइक तो ठीक ही है, गंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब ऊपर ही चल के कहीं धुलवाएंगे। और ये भैया मिल गए थे रास्ते में, भैया को लिफ्ट चाहिए थी। कहाँ जा रहे हो भैया? श्रीनगर ही? अच्छा चलो ठीक है, बट यार भैया के पास हेलमेट नहीं है, मेरे को इसी चीज़ का डर है बस। ठीक है, तो भैया कह रहे हैं ऊपर मतलब है अच्छा मौसम, पहलगाम में बर्फ बर्फ है थोड़ी, और बाकी श्रीनगर साइड पर भी थोड़ी ठंड है, मतलब इतनी गर्मी नहीं है। तुम बड़ी खींच रहे हो आज एकदम दबा दब, गड्ढे गुड्ढे सब, मतलब शौकर हो कुछ हो ना हो मेरी घट 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 कर रही है। अरे रहने दो, गोप्रो की फुटेज भी एकदम ही फुल हो रखी थी, डिलीट करना भूल गया था मैं, तो अभी यहाँ पर मैग निकाल के फुटेज सारी डिलीट करी है, उसके बाद वापस सेट होकर चल रहा है, हल्का फुल्का आराम भी मिल गया। 120 किलोमीटर बचा एक ब्रेक और लेंगे बीच में लंच करने के लिए, वही अच्छा खासा ब्रेक कर लिया है। अब यार जिन भैया को अभी तक लिफ्ट दी थी अराउंड मैं 14-15 किलोमीटर लेके आ गया था उनको, बट अभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पास हेलमेट भी नहीं है, ठीक है उस भाई के पास, तो बिना हेलमेट के भाई मैं नहीं कर सकता था आगे कंटिन्यू उसके साथ, इसलिए मेरे को मना करना पड़ा। मतलब वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि चलो छोड़ दो यार, थोड़ा आगे तक छोड़ दो, बस मिल जाएगी, बट मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था। और फिर ये रोड भी ऐसी है, खुदा ना खास्ता अभी कुछ हो गया, हम तो चलो फुल राइडिंग गियर्स और सेफ्टी के साथ चला रहे हैं, बट अगर कुछ हो गया तो बैंड बच जाएगी यार, फालतू में बंदे को चोट लग जाए हमारी वजह से, नाम हम पे आ जाएगा। हेलमेट नहीं पहना आगे कोई रोकेगा भी तो हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, एक हमारी गलती मानी जाएगी ना। हालत देख रहे हो भाई साहब रोड की क्या हो रखी है, बीच बीच में जो पैचेज है ना ये ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है बीच में अच्छे रोड के पैच हैं और ख़राब रास्ता ज़्यादा है और ये ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं, मतलब प्रॉपर कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर। ओ भाई साहब लाइन से, चलो 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 चलो, व्यू तो नो डाउट यार बहुत प्यारा हो रखा है, नीचे नदी जा रही है, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि पहले मेरा मेमोरी कार्ड एकदम फुल हो गया था, बट अभी बीच में कहीं व्यू मिला अगर नदी के साथ तो रुक के फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे थोड़ी। ये देखो भाई साहब नीचे नदी जा रही है, बढ़िया एकदम ऋषिकेश जैसी फीलिंग आ रही है, ऋषिकेश में जैसे नीचे नदी बहती रहती है उसके साथ साथ पूरे रास्ते वैसा ही है यहाँ पर भी, बस यहाँ कंस्ट्रक्शन थोड़ी ज़्यादा है, वैसे वहाँ पर भी है चोपता वाले रास्ते पर भी बहुत कंस्ट्रक्शन है, बट अब तो फिर भी थोड़ी ठीक हो गई है वहाँ पर, मतलब बन गई है रोड सारी अच्छी। चलो भाई एक और टनल, बट इसमें हमारी एंट्री नहीं है शायद, अच्छा हाँ ये टनल बन रही है अभी, सोचो अब देखो खुद ही देख सकते हो, अब यहाँ से घूम के उस तरफ जाएंगे और यहाँ से सामने दिख रहा है तो कितना शॉर्ट पड़ जाता है रास्ता जब ये टनल बन जाएगी उसके बाद, देखो पूरा पहाड़ घूम के और फिर हम राइट साइड पे निकलेंगे जस्ट इसके, ठीक है, और ये सीधा सीधा पहाड़ के बीच में से निकल जाते हैं तो कुछ नहीं तो हमारे 10 मिनट बचते, 10 से 15 मिनट। यार मैंने यहाँ पर एक चीज़ और नोट की है, मतलब और जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं ना बेसिकली, जैसे अभी तो हम टूरिस्ट प्लेस पर नहीं पहुँचे हैं, अभी हम ऑन द वे हैं, हम बाय रोड जा रहे हैं, ठीक है, बट ऐसे जो मनाली हो गया और तुम्हारा कसौल हो गया और जहाँ मतलब कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, चाहे वो राजस्थान में हो, हिमाचल में हो, नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया में हो, बट अगर आप रोड पर अपनी बाइक लेके भी जा रहे हो ना तो वहाँ पर आपको गाड़ियाँ जो दिखेंगी वो अलग अलग स्टेट की दिख जाएंगी, मतलब गुजरात की हो गई, राजस्थान की हो गई, दिल्ली हरियाणा तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, यूपी की हो गई, यूके की हो गई, बट यहाँ पर मैंने ऐसा नोट किया कि यार यहाँ पर गाड़ियाँ दिखती ही नहीं है, इक्की दुक्की गाड़ियाँ दिखेंगी, वो भी HR नंबर प्लेट दिखेगी या PV नंबर प्लेट दिखेगी, मतलब पंजाब और हरियाणा, और दिल्ली की नंबर प्लेट भी मुश्किल से एक आध दिखी होगी अभी तक मेरे को, बाकी सारी गाड़ियाँ JK। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई घूमने आता ही नहीं है, टूरिज्म बहुत तगड़ा है कश्मीर का, उसमें तो कोई शक नहीं है, बट मेरे को क्या लगता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना पसंद करते हैं, जैसे कि तुम्हारी ट्रैवलर हो गई, ठीक है, अभी देखो ट्रैवलर है, ये भी JK 06 है, JK 06, तो मतलब लोग यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब श्रीनगर आते हैं या तो फ्लाइट से या तो ट्रेन से, और उसके बाद यहाँ पर गाड़ी बुक करके फिर घूमते हैं,
तो पता नहीं मुझे लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रोड तो बहुत अच्छी है, हाईवेज बन चुके हैं पूरे। रोड ट्रिप भी करना चाहिए यार, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है सबकी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें रोड ट्रिप पसंद है, मुझे तो रोड से जहाँ मर्जी ले जाओ, चाहे गाड़ी से ले जाओ, चाहे बाइक से ले जाओ, पर करनी रोड ट्रिप ही है। अब ये देखो भाई, नीचे मस्त नदी बह रही है और साथ साथ में हमारी बाइक चल रही है। मन तो कर रहा है यहीं पर बाइक लगाओ, कहीं से बाइक नीचे उतारने का रास्ता मिल जाए। और इतनी धूप और इतनी गर्मी है कि सीधा राइडिंग जैकेट उतार के पानी में घुस जाओ, मस्त ठंडा पानी होगा। चलो देख के ही लग रहा है ब्लू वाटर एकदम एकदम बैंड बच चुकी है, धूल से सन चुकी है बाइक। बहुत गंदे रास्ते हैं यार ये वाले, तो ऑफ रोडिंग है। अरे यार सबर नहीं है इस कैब वाले को भी, टैक्सी वाला घुसा ही लिए एकदम मिला के। अच्छा वाला ट्रैफिक निकल रहा था, प्रॉपर कश्मीर की सिटी लग रही है भाई ये सिटी, मतलब कि जो छोटे छोटे शहर होते हैं ना कश्मीर के। ये जाम भाई फालतू का नहीं है, ये सामने देख रहा है कुछ लोगों की वजह से ना ऐसा जाम लग जाता है, मतलब बिना बात के रॉन्ग साइड आना है, उल्टी साइड घूम घूम के घुसना है। ये देखो पूरी जगह उधर खाली पड़ी है, पता नहीं क्या चाह रहा है, फालतू में तलम्बा जाम लगा रखा है जब से। एक इस लॉन्डे को देखो भाई, एकदम मोम का बना हुआ, जैसे कहते हैं ना मोम का, बैठ के एकदम ही पिघल गया है। ये देखो नीचे बढ़िया टेंट उंट लगा रखे हैं जो लोकल्स होते हैं अपने रहने के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि टूरिस्ट के लिए। तो ये है भाई बनिहाल शहर, राइट साइड में जो ट्रक की लाइन देख रहे हो आप, करीब 2 किलोमीटर से चलती हुई आ रही है। गोप्रो मेरा फिर से बंद हो गया था, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो गई है इसमें। ठीक है, और देखो कितना सुंदर है, मतलब व्यू देखो यार, प्रॉपर कश्मीर लग रहा है अब तो। ये रहा भाई बनिहाल का रेलवे स्टेशन, और पीछे से घूम के अब हमने हाईवे पकड़ लिया है। कुछ नहीं तो आधा घंटा वेस्ट हुआ है हमारा यहाँ पे, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर में। हाय राम, सोचा था लंच के लिए कहीं रुक जाएंगे, बट वहाँ पे हिम्मत नहीं हुई, इतनी गर्मी थी और इतना मतलब भीड़ भाड़ वाली इलाका था ना, तो डर भी लग रहा था थोड़ा कोविड की वजह से। और हमने कहा कि थोड़ा कहीं पर खुली जगह मिलेगी मेन हाईवे पर ही रोक के, अच्छे से वहाँ पर लंच भी करेंगे और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, कमर भी सीधी करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो सुबह से हमने एक मेजर ब्रेक अभी तक नहीं लिया है। वो भाई ट्रक की लाइन देखो यार, कितनी लंबी लाइन है, वहाँ से लगी हुई है कुछ नहीं तो 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन है भाई साहब, क्या हो रहा है इनका, ऊपर से इतनी भरी धूप। वो तो अच्छा है चलो यहाँ सारे 4-व्हीलर वाले दिख रहे हैं मुझे, कोई 2-व्हीलर वाला फंसा होता अगर इसके बीच में उसका क्या होता, मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचारा निकल भी नहीं पाता, डबल लेन में पूरा फंसा रखा है रोड। भाई कश्मीर को ऐसे ही नहीं कहते मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन दी अर्थ, मतलब देख सकते हो आप क्या व्यू, मतलब यहाँ ना तो कोई ऐसा कोई बड़ा पहाड़ है या फिर ना तो कोई नदी बह रही है ना कुछ, बट ये सीनरी को देखो कैसी लग रही है, बस इतनी सुंदर रोड जा रही है, लेफ्ट साइड में दूसरा हाईवे है, इधर से ये हाईवे है, सामने प्रॉपर इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, टोल रोड भी स्टार्ट होने वाली है और एकदम बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब वो ठंडी शायद मुझे इसलिए कैसे लग रही है क्योंकि अंदर से पसीने में भीगा हुआ हूँ, तो शायद अंदर हवा जाए इसलिए ठंडा ठंडा लग रहा है, या तो क्यों पता नहीं चल रहा, क्योंकि वैसे हवा ठंडी लग रही है, मुझे लग रहा है ठंडी हवा ही है। हाँ और भाई ये एक और टनल जैसी पहले थी, बट ये छोटी टनल है। एक फैक्ट बताना आपको भूल गया, जो इससे पहले टनल थी वो थी 9.28 किलोमीटर की, वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टनल थी, उससे छोटी अटल टनल है जो कि 9 किलोमीटर की है वो 9.28 थी। तो वो मेरे को बाद में अनमोल ने बताया फैक्ट, उसने इंटरनेट पर सर्च किया कितनी लंबी टनल थी, तो पता चला कि भाई हम लॉन्गेस्ट टनल में से गए थे। मैं वही सोच रहा भाई ख़त्म क्यों नहीं हुई, सोचो 9.25 किलोमीटर की टनल, जा भाई जा, पहले तेरा ज़्यादा जाना ज़रूरी है, जा। वैसे कंस्ट्रक्शन के मामले में देखा जाए ना तो भाई जम्मू कश्मीर में काम तो बहुत हुआ है, मतलब ये सारी टनल सारी आप देख सकते हो सारी नई लग रही है, कोई भी ऐसी टनल नहीं जो पुरानी हो जिसमें पानी रिस रहा हो, सारी दिख रहा है कि भाई ब्रांड न्यू टनल्स हैं, क्योंकि जो बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं वो भी एकदम ब्रांड न्यू है। तो मतलब आप सोच सकते हो अगर ये टनल बनी है तो किसी रीज़न की वजह से बनी होगी, और अगर ये टनल नहीं बनी होती तो हमें सोचो कितना घूम के जाना पड़ता और ये रास्ता कितना लंबा होता। तो बस यही बता रहा था मैं कि अरे भाई वो भाई साहब अंधेरा देखना, ये देखो गुप अंधेरा भाई साहब, ओ भाई साहब, और ठंड भी लगती जा रही है यार, मुझे लग रहा है अंदर ठंडी हवा है बढ़िया। हाँ बे अबे ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ तो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चला कितने किलोमीटर की टनल है ये। अभी लेफ्ट साइड पे देखना एक ग्रीन कलर का ना छोटा सा बोर्ड सा लगा हुआ, बोर्ड मतलब छोटा सा लगा हुआ, ये देखो ये देखो ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 8+000, मतलब कि 8 किलोमीटर की टनल यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब लगा होगा 8+ जितने मीटर होगा वो बोर्ड 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 कहाँ है, ये रहा देखो इस पर लिखा हुआ है 8+200। ठीक है, अभी 200, 400, 600, 800, फिर सीधा 9 किलोमीटर। तो ये टनल है अराउंड, एक और बोर्ड लगा होगा कहीं ना कहीं 200%, ये लगा हुआ ना देखो, ये है 8+400 मीटर की टनल,
समझ गए। और ये लास्ट बोर्ड लगा हुआ 8+600 मीटर, मतलब लगभग 8.5 किलोमीटर की टनल थी ये वाली। मतलब ये फिर थर्ड लॉन्गेस्ट हो गई यार इस हिसाब से तो। मतलब खुद सोचो ना, ये 8.5 किलोमीटर की टनल है, वो वाली 9 किलोमीटर की अटल टनल, फिर उसके बाद आती है जिससे अभी हम आए थे 9.28 किलोमीटर की। क्या बात है, एक ही दिन में दो दो टनल देख ली टॉप 3 में। तो भाई ऑफिशियली कश्मीर में एंटर कर चुके हैं, पीछे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था वेलकम टू कश्मीर वैली, बट वो मेन हाईवे पे था इसलिए हमने रुक के फोटोज वगैरह नहीं ली, बट मेन कश्मीर वैली में एंटर कर चुके हैं। वो टनल क्रॉस करते ही मेन कश्मीर शुरू हो गया था। अभी तक मतलब हम जम्मू और कश्मीर के बीच के जो गाँव और छोटे छोटे शहर होते हैं उन्हीं में थे। मुझे लगा हम कश्मीर में कब का एंटर कर चुके हैं। अब श्रीनगर यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर होगा, नहीं आगे बोर्ड लगा हुआ है ना, अब देखो इस पर पता चल जाएगा। यहाँ से लेह है 495 किलोमीटर जो लोग लद्दाख मानना चाह रहे हैं, श्रीनगर है 72 किलोमीटर, पहलगाम है 66 और काजीगुंड है 2 किलोमीटर। और ये आर्मी के जवान श्रीनगर, हाँ नाइस नाइस नाइस। करीब यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता बचा है और यहाँ पर रुके थे हम पीछे बोर्ड का, श्रीनगर वेलकम टू श्रीनगर का, सॉरी उससे पहले था वेलकम टू कश्मीर वैली का, ठीक है। तो फोटो वगैरह लेने के लिए रुके थे, बढ़िया बढ़िया शॉट्स आए हैं इंस्टाग्राम पे, चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब लंच करने का भी था बट लंच सोच रहे हैं, अभी 1.5 घंटे का रास्ता है, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट किया जाए, रास्ते में थोड़ा हाइड्रेट होते होते चलेंगे और लंच तो अब स्किप ही कर देते हैं, शाम को ही खाएंगे पहुँचने के बाद होटल में। यहाँ पर आपको हवा में नज़र आ रहा है कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, कैमरा में पता नहीं शायद विजिबल ना हो, बट देखो कॉटन हवा में उड़ रही है, छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े, और मुझे वहाँ पे लगा कि शायद ऐसे ही उड़ रहा हूँ, बट अभी पता चला यहाँ से लेकर पूरी रोड पर उड़ रहे हैं। मतलब कि कहीं पर कॉटन की जो वो नहीं होते पौधे होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, उन पर कॉटन लगी होती है चारों तरफ, तो उस पर हवा लगती है तो वो उड़ जाते हैं, तो वैसा सही दिख रहा है कहीं पर आसपास ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे देखो बहुत सारे उड़ रहे हैं यहाँ पे। फाइनली भाई जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पहुँच चुके हैं, श्रीनगर में एंट्री ले ली है, मेन श्रीनगर चौक पे हैं, बट समझ नहीं आ रहा है यहाँ सारी दुकानें क्यों बंद है, मतलब जब से एंट्री लिया ना एक भी ठीक से शॉप खुली भी नहीं दिख रही, और सारी क्यों बंद है, संडे और ईद का भी फेस्टिवल है। अच्छा आज संडे और ईद का कुछ फेस्टिवल, मतलब ईद आने वाली है ना 3 तारीख को, परसों ईद है तो उस वजह से भी और कुछ है तो उसी वजह से सारी शॉप्स बंद है। अब यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर होटल वगैरह देखने के लिए, मतलब होटल वगैरह सर्च करते हैं, बुकिंग करवाते हैं और कुछ खा भी लेते हैं यार, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ भी नहीं खाया है। चलो भाई यहीं पर थोड़ा खाने आने के लिए मंगवा लिया है, वेजिटेरियन में सिर्फ यहाँ पर बिरयानी थी, तुम लोगों ने क्या मंगवाया? चिकन। ओके वेज में हमारी आई है बिरयानी, ये भैया प्योर वेज है ना, पक्का रोटी थोड़ी है वो। चलो भाई टेस्ट करते हैं यहाँ की बिरयानी कैसी है, वैसे अभी तक मेरे को एक ही बिरयानी सबसे अच्छी लगी, कल मैं वही बता रहा था कहाँ की थी, वो जयपुर में, हाँ जयपुर में खाई थी भाई साहब, वेजिटेरियन बिरयानी हो तो सलाद अभी स्वाद ही आ गया था। होटल में आ चुके हैं भाई, चेक इन भी कर लिया है, हाँ होटल हमने लिया है ओपेरा इन, जो कि श्रीनगर मेन मतलब लाल चौक जो है का मेन चौक है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अराउंड था, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया रूम का टूर और रूम कितने का पड़ा, अभी सर इनको रूम पे चल के देते हैं, अभी सबकी इफ्तारी चल रही है, 7 बज चुके हैं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि इस लगेज रूम में पहुँचाना है, हमें रूम पता भी नहीं है, तो इसलिए नीचे भी वेट कर रहे हैं बस, इसके बाद चलते हैं ऊपर, इसको भारी भरकम सूट को उतारते हैं, ठीक है, उसका बेस्ट करते हैं, थोड़ा सा वीडियो एडिट करते हैं। एंट्री है भाई, कुछ ऐसा रूम है, यहाँ पर एक सोफ़ा दे रखा है, सोफ़ा पता नहीं क्या ये पहली बार देखा मैंने, तो ऐसा सोफ़ा एक सोफ़ा वहाँ पर भी दे रखा है, और ये बहुत बड़ा बेड दे रखा है, सोफ़ा कम बेड है, कितने बंदों का रूम है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही खुश है ये, मुझे नहीं पता क्यों, ये एक डबल बेड दे रखा है बढ़िया सा, मस्त क्विल्ट भी मस्त है इसका, तो यार बड़ा सा टीवी है जो किसी काम नहीं आने वाला हमारे, मूवी देखेंगे रात को इसमें, और ये बड़ा सा मिरर है जो इसके बहुत काम आने वाला है, बिना थूत देखे इसका नींद नहीं आती। वॉशरूम बढ़िया है इसका यार, इधर देखो ये बढ़िया है, स्पेशियस वॉशरूम है, सही है यार, बट थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा मेरे को, बट यहाँ पे बोल कौन रहा है, ठीक है बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, महंगी होटल हैं यार यहाँ पे सारे, गुलमर्ग कह रहा था ये, मैंने गुलमर्ग में चेक किया भाई 7-8 हज़ार रुपये से नीचे का कोई होटल ही नहीं है, तो इसे कर लिया है, ये 42-43 हंड्रेड अराउंड पड़ा है एक्सक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट 6500 का था,
65 का बताया था इसने। ब्रेकफास्ट तो लिया नहीं है, रात का डिनर बाहर करके आएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट बाहर ही करेंगे। चलो भाई डिनर आ चुका है। डिनर में मंगाया है 2 प्लेट दाल 2 प्लेट राइस और 1 रोटी और 1 मिक्स वेज। इन लोगों ने खाना खाया था, मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने इसलिए 1 रोटी एक्स्ट्रा मंगा ली थी। खाना खाते हैं उसके सोते हैं, अच्छी खासी वीडियो लंबी बन चुकी। तो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।